तो देखिए, दम घोटू हवा की वजह से लगातार दिल्ली का जो दम है वो घुट रहा है, लेकिन इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ दिल्ली से लोमस जुड़ गए हैं संवाददाता। इसके अलावा हमारे साथ जतन भी गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लोमस, आपके पास आते हुए देखिए, अभी सर्दी ठीक ढंग से शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही प्रदूषण का स्तर देखिए, अभी दिवाली भी आनी है। बिल्कुल आपने सही कहा, अभी तो सर्दी का सीजन शुरू भी नहीं हुआ और दिवाली भी आने वाली है, और उससे पहले दिल्ली की जो हवा है वो दम घोटू हो चुकी है। आपको बता दें कि दिल्ली का जो AQI की बात करें, आज 300 के पार था, और ये 300 के पार होना मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से जो रेड है। और क्योंकि दिल्ली की जनता को ये मालूम है कि हर साल इस तरह की स्थिति बन जाती है, और दिल्ली की सरकार केवल नियम बनाती है, और दिल्ली की सरकार कहती है कि हम नियम बना रहे हैं, उन नियम को अगर दिल्ली की जनता पालन करेगी तो ये AQI लेवल सुधर जाएगी। लेकिन हमने हर साल की भांति इस साल भी देखा कि AQI लेवल लगातार ही खतरे के निशान के पार है, और दिल्ली की जनता को काफ़ी यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक तरफ वायु प्रदूषण है तो दूसरी तरफ यहां पर जल प्रदूषण भी, आप यमुना की बात कर रहे थे, यमुना में भी प्रदूषण देखा जा रहा है, और छठ पर्व आने वाला है, उससे पहले यहां पर यमुना की अगर तस्वीर हम मैं दिखाने के लिए विजय को बोलूं तो यमुना की भी तस्वीर काफी दयनीय है। छठ घाट काफी यहां पर प्रदूषित है, और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहां पर BJP के द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री को रेड कार्पेट पर इन्वाइट किया जा रहा है, इन्विटेशन यहां पर किया जा रहा है कि आ करके वो देखे छठ घाट की क्या हालत है। ये ITO छठ घाट की तस्वीर है, यहाँ पे दिल्ली के BJP के कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं, उनके द्वारा लगातार ही इनवाइट किया जा रहा है आतिशी को, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ पे पहुँचे और यहाँ दिल्ली की जनता का दर्द समझे। यहाँ पे देखिए कुछ कार्यकर्ता, हम उनसे बात करेंगे। एक तरफ जहाँ वायु प्रदूषण तो दूसरी तरफ जल प्रदूषण भी है, देख रहे हैं आप लोग, देख ही रहे हैं क्या हाल है। आपको पता है 15 दिन बाद छठ पूजा है, और देखिए क्या हाल बना रखा है। जो झूठे झूठे इतने वादे करता है, इतने पैसे लगा रहा हूँ, ये कहाँ है वो सारे करोड़ रुपए कहाँ लगा रखे हैं आप यहाँ के, देखिए हम लोगों को यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, इतनी बदबू है। और 15 दिन बाद मतलब एक जो छठ पूजा के लोग हैं, छठ मैया, उनको क्या देख रही है ये। हर साल दिल्ली में वायु प्रदूषण देखा जाता है, AQI लेवल खतरे के निशान के पार जाता है, और उसके बाद भी सरकार केवल कहती है कि हम नियम बना रहे हैं। हालांकि उपराज्यपाल के द्वारा भी 16 उन्होंने सावधानी नियम, और साथ ही आप कह सकते हैं एक उदाहरण पेश किया है दिल्ली की सरकार को, उसके बावजूद भी दिल्ली का AQI सुधरने का नाम नहीं ले रहा। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं सुधरने का नाम ले रहा, क्योंकि केजरीवाल जी बिल्कुल भी प्रदूषण के लिए बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस बहाने बनाते रहते हैं कि हम ये स्कीम लाएंगे और ये स्कीम। आतिशी जी हाँ, लेकर के आए हैं, आते रहते हैं कि स्कीम बनाएंगे। पहले लोमस आप लोगों से बातचीत करते रहिए, हम लोगों की राय जानेंगे और आगे भी दिखाएंगे कि लोग कह क्या रहे हैं, उसके लिए किसको जिम्मेदार मान रहे हैं। जतिन का रुख कर लेते हैं, जतिन गाजियाबाद से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जतिन, जो स्थिति दिल्ली में है वही गाजियाबाद में है, हालांकि 2 से 3 दिन पहले ये कहा गया था कि गाजियाबाद और नोएडा में स्थिति बेहतर है, लेकिन अब 4 दिन के बाद वही हालात है। आज बिल्कुल देखिए, गाजियाबाद में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। दिल्ली का जो AQI है वो लगभग 350 है, और गाजियाबाद भी पीछे नहीं है। आज सुबह जो AQI लेवल गाजियाबाद में दर्ज किया गया वो तकरीबन 280 के पार था, और अब सूरज निकल चुका है, लेकिन उसके बावजूद हम इस वक्त हाईवे पे मौजूद हैं, और आप देखेंगे कि तकरीबन 500 मीटर की जो विजिबिलिटी आपको बिल्कुल क्लियर है, लेकिन उसके बाद आपको हल्का स्मॉग नज़र आना शुरू हो जाएगा। हालांकि हाईवे पर गाड़ियाँ तेज़ी से चलती हैं, तो उस चक्कर में जो पॉल्यूशन है वो कटता भी है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि सांस लेने में लोगों को समस्या आ रही है, यहां तक कि आंखों में जलन जैसी स्थिति भी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग से जब हमने आज सुबह बात की तो उनका कहना है कि आने वाले 2 दिन और भी खतरनाक रहने वाले हैं। वो खतरनाक किस लिहाज से रहने वाले हैं, क्योंकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। अगर हवा नहीं चलेगी तो धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। तो गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, सभी जगह स्थिति ऐसी हो रखी है, बल्कि थोड़ी दूरी पर जो जगह है मथुरा, मुजफ्फरनगर, वहां पर भी यही हालात नजर आ रहे हैं। धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, गंदी बात वेब सीरीज को लेकर के एकता कपूर एक बार फिर से फंस गई हैं। यहाँ पर लगातार तमाम मामले सामने आए, कई बार कॉन्ट्रोवर्सीज में भी रही हैं, लेकिन इस बार जानकारी मिल रही है अश्लील कंटेंट मामले में। आज एकता कपूर की पेशी होनी है, आज उनसे और उनकी माता से पूछताछ करते हुए मुंबई पुलिस नजर आएगी। एकता कपूर से पूछताछ आज मुंबई पुलिस करेंगी। तो गंदी बात की फांस यहाँ पर एकता कपूर के गले पड़ी हुई है, और अश्लील कंटेंट मामले में आज एकता कपूर की पेशी होनी है। तो पॉक्सो एक्ट में मुसीबत लगातार
बनी हुई है। सत्यप्रकाश मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यप्रकाश, आज एकता कपूर और उनकी मां से पूछताछ की जानी है, क्या समय है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, आज एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर को MHB पुलिस स्टेशन में बुलाया गया है पूछताछ के लिए, क्योंकि जिस तरह से उनके खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है, इसको लेकर मुंबई पुलिस की जो है MHB पुलिस स्टेशन मामला दर्ज है और पुलिस स्टेशन में बुलाया गया है पूछताछ के लिए। ये तस्वीरें देख रहे हैं कि इसी पुलिस स्टेशन में एकता कपूर और उनकी माँ के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है, क्योंकि जिस तरह से उनकी जो वेब सीरीज थी गंदी बात 6 में, उसमें आपत्तिजनक सीन दर्शाया गया था, जिसको लेकर एक कंप्लेनर ने कंप्लेन किया था, जिसके बाद कोर्ट में मामला गया। कोर्ट के मामला जाने के बाद कोर्ट ने निर्देश दिया, इसके बाद MHB पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है। MHB पुलिस स्टेशन इस मामले के लिए जांच कर रही है और आज उनको पूछताछ के लिए सम्मन दिया है, बुलाया है उनको, एकता कपूर और उनकी मां को। इसके पहले भी पुलिस ने उनसे पूछताछ कर चुकी है इस मामले को लेकर, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट के निर्देश के बाद इसको लेकर कहीं कहीं मुंबई पुलिस सख्त हो गई है और लगातार इस मामले की जांच कर रही है। आज उनको जो जानकारी मिले दोपहर बाद, हो सकता आए फिलहाल, या तो पहला सम्मन है, हो सकता है एडवोकेट के भेजे, लेकिन मुंबई पुलिस की तरफ से MHB पुलिस स्टेशन की तरफ से सम्मन गया है और पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, और जिस तरीके से आप लगातार जिक्र कर रहे हैं, आज उनकी और उनकी माता की पेशी है, क्या कुछ पूछताछ होती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें, मुकदमा तो दर्ज हुआ ही है, धाराएं कौन कौन सी लगाई गई हैं? देखिए, एकता कपूर और उनकी मां के खिलाफ जो है पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है मुंबई पुलिस की MHB पुलिस स्टेशन मामले की जांच कर रही है। मैं तस्वीरें देखा रहा हूं कि यहां पे मुंबई पुलिस की टीम बाहर तैनात है और जिस तरह से सम्मन दिया गया है उसको लेकर मुंबई पुलिस तैयारी की है कि अगर वो आती है यहाँ पे उनसे पूछताछ किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी सवाल हैं उनके सामने, क्योंकि इसके पहले भी मुंबई पुलिस की टीम उनसे पूछताछ कर चुकी है, लेकिन जिस तरह से कोर्ट के निर्देश के बाद कहीं कहीं मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज किया है और इसी पुलिस स्टेशन में उनका मामला दर्ज हुआ है, इससे जुड़े हुए जिन जिन लोग हैं उनसे लगातार मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही है, इंतजार कर रही है कि एकता कपूर और उनकी माँ आए, इसके बाद पूछताछ शुरू हो। जी सत्यप्रकाश, ये छठा सीजन था जिसकी शिकायत की गई है और इसमें नाबालिगों से गलत सीन, गंदे सीन फिल्माने का आरोप एकता कपूर उनकी मां पर लगा है। इसके पहले के 5 सीजन और सामने आए हैं, क्या उसको लेकर भी कोई शिकायत, कोई जानकारी मिल पाई है कि उसमें भी ऐसी अश्लीलता परोसी गई है और नाबालिगों को फोर्स किया गया है ऐसे काम के लिए? सत्यप्रकाश, आवाज आ रही है अब तक मेरी? देखिए, मुंबई पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है। जो कंप्लेनर कहना है कि लगभग 3 साल लग गए इस मामले को मामला दर्ज करने में, क्योंकि जिस तरह से लगातार कंप्लेन किया गया, इसी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया गया था, इसके पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस में गया था कंप्लेन, इसके बाद कहीं कहीं कोर्ट में मामला गया। सत्यप्रकाश धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। देखना होगा एकता कपूर उनकी माँ आज पेश होती है या नहीं, उनसे जो पूछताछ की जानी है उसमें कितना सहयोग किया जाता है उनकी ओर से। और चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर के ताव है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले सियासी हलचल बहुत तेज हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीट बंटवारे को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया है। साफ कह दिया है कि गठबंधन के उम्मीदवार सपा के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश के इस बयान पर कांग्रेस फिलहाल कोई प्रतिक्रिया देने के मूड में नजर नहीं आ रही है और यहां पर जमकर निशानेबाजी भी बीजेपी की तरफ से इसको लेकर के हो रही है, तंज भी कसा जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरीके से सियासी उबाल इसको लेकर हुआ है। यूपी में कांग्रेस पार्टी अपना सियासी बनवास खत्म करने की कोशिश में जुटी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का दुख खत्म होता नजर नहीं आ रहा। उसके साथ ही उसके अरमानों पर पानी फेरने में लगे हैं। लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने एक साथ बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरी थी। यूपी में बीजेपी को कड़ी टक्कर देकर दो लड़कों की जोड़ी ने अपना लोहा मनवाया था, लेकिन अब उपचुनाव आते आते ये जोड़ी बिखरने की कगार पर है। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच की खाई और भी ज्यादा बढ़ गई है। सपा ने कांग्रेस को 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, जिसे कांग्रेस ने ठुकरा दिया। अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सपा के सिंबल पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश यादव ने जानकारी दी। अखिलेश ने एक्स पर लिखा,
बात सीट की नहीं बल्कि जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। इस बयान से साफ हो गया कि कांग्रेस अब उपचुनाव की लड़ाई से बाहर हो गई है और अगर वो चुनाव लड़ती भी है तो सपा के सिंबल पर ही लड़ेगी। ऐसे में कांग्रेस का यूपी में सियासी वनवास खत्म करने के प्लान खत्म होता दिख रहा है। बीजेपी भी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। कांग्रेस पार्टी अब उत्तर प्रदेश में अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए भी तैयार हो चुकी है। अखिलेश यादव जी ने ऐलान कर लिया है कि 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस के पास अब उत्तर प्रदेश में कुछ बचा ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने सरेंडर भी कर दिया है और संदेश भी साफ है। पहले पोस्टर लगा कि 27 में सत्ताधीश और अब सीट भी नहीं मिलेगी। बार्गेनिंग टेबल पर कांग्रेस अपने उम्मीदों के अनुरूप सीटें हासिल करने में फेल रही और सपा ने उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें छोड़ी। 2 और 5 की लड़ाई में सपा और कांग्रेस की दोस्ती फंस गई। अब उसके साथ 2 सीटें भी नहीं आई। कांग्रेस की नाराजगी के कारण क्या है वो भी आपको बताते हैं। कांग्रेस की नाराजगी के कई कारण बताए जा रहे हैं। यूपी में कांग्रेस का सांगठनिक ढांचा वैसे भी मजबूत नहीं है। दूसरे जो सीटें पार्टी को मिली है उन पर ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी ज्यादा उत्साहजनक नहीं रहा। गाजियाबाद शहरी सीट है और इसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अलीगढ़ की खैर सीट पर भी पिछले चुनाव में पार्टी का उम्मीदवार 1500 वोट का आंकड़ा भी नहीं छू सका था। कांग्रेस नेताओं को लगता है कि जब वो बीजेपी से उसके 2 मजबूत गढ़ में लोहा ले रहे हैं, उनको ऐसी सीट भी मिलनी चाहिए थी जहां जीत की संभावनाएं भी हो। कांग्रेस इसलिए मिर्जापुर की मजवा और प्रयागराज की फूलपुर या इसमें से किसी एक सीट के लिए दावेदारी कर रही थी। कांग्रेस के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति है। अगर वो 2 सीटों पर लड़ती है तो उसे हार का सामना करना पड़ सकता है और अगर नहीं लड़ती है तो पहले से कमजोर संगठन में भी निराशा होगी। अखिलेश गठबंधन की बात तो कर रहे हैं लेकिन फुटप्रिंट पर खेलकर कांग्रेस को बैकफुट पर धकेल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।